हिंदू धर्मर एक प्रमुख पर्व हेउछि तुलसी विवाह। तुलसींकर विवाह भगवान शालग्रामक सह करा जायथाय। विश्वास रहिछि कि जेउं व्यक्ति तुलसी विवाह करिथांति तांकु कन्यादान समानर पुण्य प्राप्ति मिलिथाय। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथिरे करा जाय तुलसी विवाह। किछि स्थानरे द्वादशी तिथिरे भी तुलसी विवाह करा जायथाय। पौराणिक कथा अनुसार राक्षस कूल में एक कन्या संतान जन्म होते जहाँ नाम थिला वृंदा। से पिला दिन ही भगवान विष्णु का भक्ति एवं साधन लीन थे। जेतेबले वृंदा विवाह योग्य होते सेतेबले माता पिता तांको विवाह समुद्र मंथन सृष्टि होता जलंधर नामक राक्षस सह करदे। भगवान विष्णु सेवा एवं प्रतिव्रता होगा जो वृंदा पति जलंधर खूब शक्तिशाली होते। यहपर जलंधर आतंक समस्त देवादेवी डरवा आरंभ करते। जलंधर जेबी भी युद्ध जाऊला से वृंदा पूजा करने को बसी पड़ुले। वृंदा विष्णु भक्ति एवं साधनापी जलंधर को युद्ध कहीं भी हर पार गोटे थर समस्त देवता आक्रमण कर जलंधर। मात्र जलंधर को परास्त करिवारे असमर्थ होइथिले देवतागण। एहापरे समस्त देवता हताश हो भगवान विष्णु को शरणापन्न होइथिले एवं जलंधर आतंक शेष करने को विचार करिथिले। सही समय रे भगवान विष्णु तांको मायारे जलंधर रूप धारण करिनेले एवं छळनारे वृंदार पतिव्रता धर्म को नष्ट करिदेले। एथिरे जलंधर शक्ति कम होइगला एवं से युद्ध मृत्युवरण कला। जेतेबले वृंदा भगवान विष्णु छलना विषय जानवाक पाइले सेतेबले से भगवान विष्णु को शिला बा पत्थर होइजिबार श्राप देइथिले। एहा परे भगवान विष्णु पत्थर होइजिबा देखि समस्त देवी देवतांक मध्ये हाहाकार सृष्टि होइगला। पुणी माँ लक्ष्मी वृंदा को प्रार्थना कले तापर जाए वृंदा तांक श्राप को फेराइ नेले एवं निजे जलंधर सहित भस्म होइगले। कुहा जाए कि एही भस्मरु एक गच्छ सृष्टि होइथिला जहाँ को भगवान विष्णु तुलसी नामरे नामित करिथिले एवं निजर एक रूप को पत्थर रे समाहित करी कहिथिले कि आजिठु मु तुलसी बिना कौनसी भी प्रसाद ग्रहण करिबि नाही। एही पत्थर को शालग्राम नामरे तुलसींग सह पूजा करा जिवो। सेबेठारु कार्तिक मासरे तुलसींकर भगवान शालग्रामक सह विवाह करा जाय। ब्यूरो रिपोर्ट, एटिया न्यूज।